हाई ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स. सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द वेरी इनफेमस एनिमे ऑफ हॉरर एनिमे जॉनरा. जिन लोगों को हॉरर एनिमे में इंटरेस्ट है उन सब ने ही कभी ना कभी यामिशी बाई का नाम तो सुना ही होगा. इसमें अब तक टोटल 10 सीजन आ चुके हैं एंड बीइंग अ हॉरर जॉनरा लवर आई थॉट अगर मैं इसको एक्सप्लेन ना करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. ऑल्सो ऑफकोर्स अगर मैं सारी सीरीज एक्सप्लेन करने लगूंगी तो शायद कई महीने सिर्फ यामिशी बाई की वीडियोज में ही लग जाएंगे. सो द बेस्ट वे वुड बी टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन एंड बीच बीच में दूसरे एनिमे भी एक्सप्लेनेशन आते ही रहेंगे. सो आज मैं सबसे पहला यामिशी बाई एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड आप लोग सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत. एंड विद दिस अब हम बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो. सो हमारी पहली कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसने रिसेंटली घर शिफ्ट किया था. उसको अपने नए घर के पड़ोस में एक अजीब सी औरत खिड़की से झांकती हुई दिखती है तो वो खिड़की बंद कर देता है एंड आकर लेट जाता है. जब वो लेटता है तो उसकी नज़र ऊपर छत पर लगे एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ती है. वो उसको निकाल कर फाड़ कर फेंक देता है. अगली सुबह उसको सेम औरत खिड़की पर वैसे ही घूरती हुई दिखती है. शाम को वर्क से आने के बाद सरप्राइजिंगली उसके घर का दरवाज़ा था एंड अगेन जब यह आदमी फ्लोर पर लेटता है तो उसके सामने वही कागज का टुकड़ा या यूं कहें कि तालिस्मान छत पर दिखता है. जैसे ही वो उसको निकालने जाता है वो क्रीपी औरत उसके सामने आ जाती है. नेक्स्ट सीन में वी सी पुलिस वाले आकर उस क्रीपी औरत को अरेस्ट करके ले जाते हैं एंड वी सी वो औरत किसी टाइप की ट्रेसपासर थी जो दूसरों के घरों में घुस जाया करती थी. बट टू आवर सरप्राइज जब वो आदमी वापस लेटता है वहाँ फिर एक तालिस्मान दिखाई पड़ता है और वो आदमी जैसे ही उसको निकाल के फेंकता है वहाँ बहुत सारे तालिस्मान आ जाते हैं और साथ ही अचानक से बहुत सारे क्रीपी गोस्ट भी. एंड देन द स्टोरी एंड्स. इसके बाद सेकेंड एपिसोड में वी सी इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक कंट्री के किसी गांव में गया हुआ होता है बिजनेस ट्रिप के लिए. ये आदमी रेनली सीजन में पहाड़ चढ़ रहा था जिसकी वजह से स्लिप होकर गिर जाता है और इसका एक पैर टूट जाता है. वहाँ हॉस्पिटल में इसको एक फ्रेंडली डॉक्टर मिलता है पर साथ ही तीन अजीब क्रीपी आदमी खड़े होते हैं वहाँ पर जो लोग इसको घूर घूर कर इसको ही देखे जा रहे थे. रात को दर्द के कारण वो आदमी सो नहीं पा रहा था और ये तीन क्रीपी अब भी बातें ही कर रहे थे. उसको जाने मत दो, उसको जाने मत दो, ऐसा कुछ कह रहे थे. बट नेक्स्ट मॉर्निंग वी सी ये आदमी हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था एंड छत पर ये तीनों क्रीपी कोई रिचुअल कर रहे थे एंड सडनली वी सी जिस टैक्सी से यह आदमी जा रहा था उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है. वो लोग बानजाई नहीं बल्कि जानबाई नाम का कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जिससे लोगों को उस गांव से बाहर ना जाने दिया जाए. नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट स्टोरी. तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे लड़के से जिसके पेरेंट्स रिसेंटली ही गांव में शिफ्ट हुए थे. एक दिन उसके घर में बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हुआ था. हम एक बुढ़े से आदमी को कहते हुए सुनते हैं कि यू मस्ट कीप लाफिंग अंटिल द मॉर्निंग. वी सी यहाँ किसी काम थ्रू द लाफ्टर नाम के रिचुअल की बात हो रही थी. बुढ़ा आदमी बोलता है कि ही क्रेव्स फॉर ह्यूमन इमोशंस एंड फियर. अब ये ही आखिर है कौन वो हम देखेंगे आगे. इस लड़के के पेरेंट्स उसको आज रात अकेले सोने का बोलकर उसको ये रिचुअल परफॉर्म करनी है ये बोलकर चले जाते हैं. तो लड़का उनसे पूछता है कि क्यों. बट सडनली वी सी उसके फादर को गुस्सा आ रहा था और वो लड़के को डांट देते हैं. इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड वी सी नाइट. रात को लड़का अपने रूम में सो रहा था जब उसकी आंख खुलती है एंड हॉलवे में इन लोगों के हंसने की क्रीपी सी आवाजें सुनाई देती है. तो लड़का उस रूम में चेक करने के लिए जाता है एंड टू आवर सरप्राइज ये लोग हीथ लेजर वाले जोकर के भेस में क्रीपी से बनकर खड़े थे. एंड सडनली बाहर से कुछ बड़ी ही तेजी में उनकी तरफ आता है एंड द स्टोरी एंड्स. नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है एंड वी सी अ स्कूल टीचर जिसको देर रात तक काम करना पड़ रहा था. तभी सडनली उसको स्कूल बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है एंड इट वाज अनयूजुअल एज ऑब्वियसली देर रात को खाली स्कूल में स्कूल बेल कौन ही बजाएगा. बल्कि अनयूजुअल बात तो ये भी थी कि इतनी देर रात को स्कूल में रुकता ही कौन है. तुमने स्कूल कब्रिस्तान में बनाने वाली कहानी नहीं सुनी है क्या. मतलब ये चीज़ तो हर जगह फैली हुई है ना, तो रातों को स्कूलों में कौन रुकता है.
उधर फोटोकॉपी मशीन में कुछ फॉल्ट सा हो जाता है तो टीचर उसे देखने लगती है, बट सरप्राइजिंगली उसके अंदर एक क्रीपी सा फिगर था। नेक्स्ट टाइम देखने पर वो फिगर वहाँ नहीं थी, बट अब सारे फोटोकॉपीज पर अजीब सा ब्लैक बाल जैसे दिखने का निशान आ जाते हैं और मशीन नॉनस्टॉप कॉपीज प्रिंट कर रही थी। इतनी सारी क्रीपी चीज़ें देखकर भी ये जो टीचर थी वो भागने की जगह वहीं खड़ी होकर ये सब को अपना वहम समझ रही होती है कि तभी वहाँ पर एक भूतनी की बच्ची आ जाती है एंड द स्टोरी एंड्स। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है एंड वी सी अ फैमिली जो अपने छोटे बेटे के लिए बर्थडे शॉपिंग करने आई होती है, जहाँ से उसके फादर को ऑफिस के लिए काम के लिए निकलना पड़ता है एंड वी क्लियरली सी द फैमिली डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ वर्क बिटवीन द टू पेरेंट्स एंड जो फादर हैं वो बाय बोलकर एलिवेटर में घुस जाता है एंड उनके साथ तीन क्रीपी से दिखने वाले लोग घुसते हैं। वो आदमी सोचता है कि प्लीज लेट मी बी अलोन। वी सी फ्लोर B4 पर ये लोग उतर जाते हैं जो तीन क्रीपी चढ़े हुए थे, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इसके बाद फ्लोर B12 पर एलिवेटर रुकती है, जहां बड़ा ही डरावना सा रेडनेस हर तरफ फैला हुआ था, एज इफ इट्स द डोर टू द हेल। एक क्रीपी सा फिगर चिल्लाते हुए एलिवेटर की तरफ भाग कर आता है एंड वी फाइनली सी कि जो आदमी है वो अपने वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां बाहर निकलने पर देखता है कि पूरा मॉल ही खाली था और एकदम सुनसान था एंड पीछे से एलिवेटर वाली लड़की बोलती है, प्लीज मेक श्योर दैट यू एंजॉय योर टाइम अलोन। कहानी शुरू होती है और हम एक बहुत ही थके हुए आदमी को ट्रेन में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। इसको देख के समझ आ रहा था कि इसने जिंदगी भर दिन रात बस काम ही किया है। ट्रेन में लोगों का शोर था जिससे सुनकर ये आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है एंड सोचता है कि क्या इन लोगों में अभी भी इतनी सारी एनर्जी बची है। लगता है ये लोग काफ़ी फन कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तभी उसकी नज़र ट्रेन के रूफ पर पड़ती है, जहाँ एक अजीब सा चीज़ घूरते हुए उसको दिखाई पड़ती है, जिसको कोई और नोटिस ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से ट्रेन रुकती है एंड अनाउंसमेंट होता है कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है एंड विक्टिम कोई इंसान है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ी देर के लिए ट्रेन की लाइट्स काट दी जाती है एंड वियर्डली अब वो जो गूजी सा अजीब सा दिखने वाली चीज़ थी, वो अजीब सी चीज़ में आकृति बनने लगती है और उसमें से आँख निकलती है, जो कि उसी आदमी की तरफ घूरने लगती है और वो उस आदमी की तरफ ही बढ़ रही होती है एंड वो आदमी घबराने लगता है। पहले तो वो मरने से डरने लगता है, पर फिर सोचने लगता है कि डेथ विल बी सो मच फन एंड सडनली स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है एंड वी सी एक लड़की रात को सो रही थी एंड उसका फ़ोन अचानक से रिंग करने लगता है। सामने से एक घबराई हुई लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमारी फर्स्ट बंदी उसको काम करने के लिए बोलती है एंड उससे सारी कहानी पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो और टारो एक हॉन्टेड एंड डिजर्टेड हॉस्पिटल में गए थे, जहां घुसने के साथ ही उनको एक अनजानी रूह की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। पर ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए टारो और ये बंदी उस हॉस्पिटल की गहराइयों में चले जाते हैं। अंदर इनको एक बंद कमरा दिखाई पड़ता है जिसका लॉक लगाया हुआ था, पर स्टिल ये जाकर उसका लॉक तोड़ देते हैं और रूम के अंदर घुस जाते हैं। उसके अंदर जाते ही टारो अजीब सा बिहेव करने लगता है, जैसे वो किसी अनजानी रूह के पोजीशन में आ गया हो। ये देखकर ये लड़की डर जाती है और वहां से भाग आती है। वो फोन पर अपने दोस्त से पूछती है, कैन आई कम टू योर हाउस, एंड उसके दोस्त हाँ बोल देती है, जिस पर वो लड़की बोलती है, फाइनली आई कैन लीव दिस डार्क एंड पेनफुल प्लेस। एंड हमें एक फ्लैशबैक में ये सब दिखाई पड़ता है कि उस लड़के के साथ नहीं बल्कि इसी लड़की के साथ वो सारा पोजीशन हुआ था। जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, हमें दूसरी लड़की की डरावना सा चेहरा दिखाई पड़ता है एंड द स्टोरी एंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी सी एक छोटा लड़का कंट्रीसाइड शिफ्ट हुए अपने एक दोस्त से मिलने आता है। दोनों गेट के पास बैठे होते हैं जब छोटे लड़के की मॉम उसको वाटरमेलन उठाने में हेल्प करने के लिए बुलाती है। तभी दूसरे लड़के को रोड के दूसरे तरफ एक औरत मुंह में अम्ब्रेला लिए खड़ी दिखाई पड़ती है। वो इसके बारे में अपने दोस्त को बताता है और उनकी बातें उनका जो फादर था वो सुन लेता है और पैनिक करने लगता है एंड किसी अम्ब्रेला गॉडेस का नाम लेने लगता है और उसकी पूरी फैमिली हमको पैनिक में दिखाई पड़ती है। वी सी
दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कर्ज एंड वो लोग इस लड़के को रूम के अंदर से लॉक करके सोने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं और ये बताते हैं कि चाहे कुछ हो जाए वो रात को किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले, ऑल्सो डोर पर नमक रख के चले जाते हैं। रात को इसको अपना दोस्त दिखाई पड़ता है और वो दरवाजा खटखटाता है तो ये दरवाजा खोल देता है। देन उसका दोस्त उसको स्नैक्स देकर चला जाता है, बट दोबारा से वहां क्रीपी सी हालत में इसका दोस्त आता है एंड फिर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसका क्रीपी चेहरा देखकर ये लड़का इस बार डर जाता है। हम दरवाजे पर रखे हुए नमक को जलते हुए देख पाते हैं और सुबह होने पर वो जो लड़का था वो खुशी खुशी बाहर आता है, बट वी सी उसके पीछे वही अम्ब्रेला पकड़े हुए क्रीपी सी औरत आ जाती है एंड द स्टोरी एंड्स। ये स्टोरी एक माँ और उसकी बेटी की है। हम एक यंग लड़की को कमरे में बड़ी ही बुरी हालत में बैठे हुए देख पाते हैं। उसकी माँ उसके इलाज की बहुत कोशिश करती है बट ऑल इन वेन। फाइनली वो अपनी बेटी को लेकर एक श्राइन में जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी बताती है कि ये किसी तरीके का फैमिली कर्ज है, यानी ये लड़की अपने एंसेस्टर्स के की हुई गलतियों की सज़ा काट रही है। एंड ये बोलकर वो अपने डिसाइपल को प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देती है। रात को वी सी ये लोग उस पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसके बाद सुबह ये लड़की बहुत ही सही हालत में दिखाई पड़ती है एंड माँ बेटी घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद वी सी ये लड़की स्कूल के लिए रेडी हो रही थी कि तभी उनको एक कॉल आती है और कॉल माँ पिक करती है एंड वो ओल्ड लेडी का डिसाइपल उसे बताता है कि पिछली ही रात ओल्ड प्रिस्टस की डेथ हो गई एंड उसने एक मैसेज इस लड़की को देने के लिए बोला था एंड द मैसेज वॉज सॉरी आई कुडंट हेल्प। हम लड़की के गले पर निशान पड़ते हुए देख पाते हैं एंड बूम द स्टोरी एंड्स। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट्स एंड वी सी अ बेसबॉल टीम जो एक स्कूल कैंप में मैच खेलने के लिए आई हुई थी एंड रात को हंसी मजाक कर रही थी, एज ये लोग बचपन में भी यहाँ खेलने आए थे एंड तब एक लड़का यहाँ के टॉयलेट में गिर गया था। ऑल दो इस लड़के को ये सब याद नहीं रहता, वो लड़का वॉशरूम जाता है एंड वहाँ हुए इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। उसी वक्त उसको ऐसा लगता है जैसे टॉयलेट में कोई है, वो इसको अपना वहम समझता है बट उसको इस बार भी दोबारा कोई टॉयलेट में दिखता है। देन सडनली एक क्रीपी सा फिगर टॉयलेट से बाहर निकलने लगता है एंड बैम द स्टोरी एंड्स। नाउ स्टोरी स्टार्ट्स एंड वी सी थ्री फ्रेंड्स जिनका समर वेकेशन खत्म होने ही वाला था एंड इसलिए ये जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कर रहे थे जिस वजह से ये लोग थक जा रहे थे। एंड फॉर अ चेंज एक लड़का बताता है कि उसके कजन ने उसको एक गोस्ट वाली वीडियो टेप दी है एंड माइंड रिफ्रेश करने के लिए ये लोग उसको देख सकते हैं। ये वीडियो उसके कजन के किसी दोस्त ने उसको दी थी जो उसने तब रिकॉर्ड करी थी जब ये लोग कोई टेस्ट ऑफ करेज नाम का कोई गेम प्ले कर रहे थे। वीडियो प्ले करने पर इसको एक ग्रेवयार्ड दिखाई देता है एंड तीनों में से एक बच्चे को स्टेप में एक अजीब सा फिगर भी दिखाई पड़ता है जो कि बाकी दोनों लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। आफ्टर दिस उसको फिगर वो जो थी वो पास आती हुई और उसके तरफ देखती हुई दिखाई पड़ रही थी। देन वो जैसे ही अपने दोस्तों के लिए पीछे मुड़ता है वो देखता है कि पीछे उसके दोस्तों की जगह वही फिगर थे एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स। नाउ नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट्स एंड वी सी अ हाई स्कूल गर्ल जिसको घर के बाहर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं एंड वो बताते हैं कि वो तोमोनारी के साथ खेल रहे हैं। इस लड़की को खेलने बुलाते हैं जिस पर ये लड़की बोलती है कि अभी उसको होमवर्क करने जाना है बट बाद में वो ज़रूर आएगी और इस चीज़ का वो प्रॉमिस करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे अगेन वो लड़की इनको बोलती है कि वो बिजी है एंड इनके साथ नहीं खेल सकती, बट अगले दिन ये सारे बच्चे उस लड़की के घर पहुँच जाते हैं एंड बोलते हैं कि नारी उसके घर पर है। वो लड़की इनको भगा देती है। बालकनी से ये बच्चे देखते हैं कि उस लड़की के छत पर एक अजीब सा फिगर था जिसको ये लोग तोमोनारी बोल रहे थे जो कि उस लड़की को ऊपर की तरफ खींच लेता है। अगेन हम उन बच्चों को सेम स्पॉट पर बैठा हुआ देखते हैं जब एक की जगह अब उस स्पॉट पर दो फिगर्स थे जिनमें से एक फिगर बिल्कुल उस लड़की के जैसा दिख रहा था एंड द स्टोरी एंड्स। So finally we have reached to the last story of Yameshibai season 1. So I know बहुत सारे लोग हैं जो कि एंड तक वीडियोज नहीं देखते हैं, that's why I have saved the best for the best one. मतलब आप में से जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं they are the best ones ना for me. So basically Yameshibai की जो stories होती हैं वो सारी stories एक evening की depict करती है। मतलब एक masked man होता है जिसका yellow color का ये mask होता है, ये बंदा जो है वो सारी stories जो शाम
शाम को बच्चे पार्क में खेलने के लिए आए हुए होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको हर शाम सुनाता है। अब ये आदमी कौन है, ये सिर्फ ऐसी हॉरर स्टोरीज क्यों सुनाता है, दीज आर अनदर मिस्ट्री, क्योंकि ये आदमी मास्क लगाता है तो किसी को नहीं पता कि एक्चुअली है कौन। एंड टू माई अजम्पशन आई थिंक कि ये किसी तरीके का क्रीपनेस है जो कि रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में हो रही है। अब ये छोटी छोटी सी स्टोरीज तो वो इन बच्चों को सुनाता ही है, बट साथ में ये आदमी ज़रूर किसी ना किसी टाइप का किडनैपर या किसी ना किसी टाइप का कल्ट मेम्बर होगा जो कि इन बच्चों को ये स्टोरीज सुना करके इनको या तो किडनैप कर रहा है या इनको किसी तरीके से मतलब अपने वश में कर रहा है, ऐसा कुछ होगा। सो ठीक है, अब हम पहुँचते हैं इन माई लाइफ स्टोरी। सो द स्टोरी स्टार्ट होती है एंड जब तीन बच्चे अपने बाइनाक्यूलर की मदद से एक घर पर झांक रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है कि उसकी दादी ने बताया था कि वो घर कर्स्ड है एंड उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड ये बोलकर वो लड़का वहां से चला जाता है। बट ये जो बाकी के दो लड़के हैं वो नहीं मानते हैं एंड उस घर की तरफ अभी भी अपने बाइनाक्यूलर से देख रहे होते हैं। वी सी जो लड़का वहां देख रहा होता है वो अब अजीब सा बिहेव करने लगता है एंड वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे उसका दोस्त उसको उसके बाइनाक्यूलर वापस देने के लिए उसका घर पर आता है, लेकिन उसके जो फादर हैं वो बताते हैं कि उसने टोक्यो स्कूल में ट्रांसफर कर लिया है। बट उसको पीछे देखने पर उसके घर में काफ़ी रोना धोना सा चल रहा था। उसके फादर उसे भगा देते हैं, बट थोड़ी ही दूर आकर वो लड़का उन बाइनाक्यूलर की मदद से दूसरे लड़के के घर की तरफ झांकने लगता है। पर सडनली एक क्रीपी सा फिगर उसकी तरफ आने लगता है एंड बैम, द वीडियो एंड द सीरीज एंड्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई नो इट्स नॉट लाइक सम टॉप नॉच एनिमे, बट इट इज़ डेफिनेटली समथिंग यू शुड वॉच लेट एट नाइट विद सम फ्रेंड्स। सो अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय।